शुक्र खुदा का, डेढ़ माह बाद नमूदार हुए और अब आए तो जाने का नाम नहीं ले रहे। नैब रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से लापता स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट आए। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई। अदालत ने कहा पहले नैब को गिरफ्तारी दें। ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर की इस्तदा भी मुस्तरद। सहाफी ने पूछा था आगा साहब गिरफ्तारियां कहां देंगे, तो बोले बाहर निकलकर देखेंगे। इसके बाद से आगा सिराज अदालत के अंदर मौजूद, बाहर नैब टीम तैयार। आगा सिराज को निकलते ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। वैसे अमूमन कोर्ट ऑर्डर तो दो दिन बाद आते हैं, तो दो दिन ना है तो इधर ही रहेंगे। कोई बिस्तर होगा तो ले जाएंगे। मस्जिद में एक साहब थे यहाँ पे जिनके लिए ऑर्डर हुआ, तो वो एक रात उन्होंने मस्जिद में गुजारी थी। रहमान मलिक साहब से की गिरफ्तारी। हम नमाज भी पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का साबिक चीफ जज राणा शमीम को खत लिखा, असल बयान हल्फी पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को दिया जाए। हाई कमीशन हल्फनामा वजारत खारजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राणा शमीम को हल्फनामा जमा कराने का हुक्म दिया था। स्मोक और फिजाई आलूदगी से निमटने और बचाव का हुकूमती प्लान, वजीर आजम इमरान खान आज मंसूबे की मंजूरी देंगे। फिजाई आलूदगी पर खुसूसी इजलास आज तलब। वफाकी वुज़रा मुआविनीन खुसूसी, वफाकी और सूबाई हुकाम शरीक होंगे। मलिक अमीन असलम और हम्माद अजहर प्लान पेश करेंगे। मुल्क में तवील खुश्क साली और स्मोक के खात्मे की उम्मीद। महकमा मौसमियात ने हफ्ते और इतवार को बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत शुमाल मशरकी पंजाब और इस्लामाबाद में बारिश की तवक्का। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर और बालाई पख्तूनख्वा में भी अब्र बरसेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। नाअहली केस में यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। केस खारिज करने की दरख्वास्तें दायर। इलेक्शन ज़ाब्ता अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान और दो वज़रा कामरान बंगश और शौकत यूसुफ ज़ई को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब कर लिया। मेरी किसी बात से दिल आजारी हुई हो तो माजरत खाहूं। फवाद चौधरी के बाद आजम स्वाति ने भी अपने मुतनाज़े बयान पर इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने पूछा आजम स्वाति खुद कहाँ है। वकील ने जवाब दिया कि उन्हें अचानक क्वेटा जाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने आजम स्वाति को 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। NA 133 जमनी इंतखाब के लिए पार्टी मुहिम का आखिरी रोज। नशस्त पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। हुक्मरान जमात PTI उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद मुकाबले से बाहर हो चुकी है। मुस्तफा कमाल के बाद PTI ने भी सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकफ इख्तियार किया, बल्दियाती बिल आयन के खिलाफ है, कलदम करार दिया जाए। हलीम आदिल शेख कहते हैं आयन के मुताबिक इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना लाजमी है। अस्पताल चल नहीं रहे, लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने हेल्थ का सिस्टम ले लिया, एजुकेशन का सिस्टम ले लिया, मतलब अब बर्थ सर्टिफिकेट और कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट भी इन्होंने वापस ले लिया। एक इख्तियार दिया है लोकल गवर्नमेंट को कि वो टॉयलेट के ऊपर फीस लगा सकते हैं। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ MQM का हैदराबाद में एहतजाज। कुंवर नवीद जमील का खिताब, कहा अपना हक लेना जानते हैं। हर सतह पर सिंध हुकूमत के जालिमाना और जाबिराना इकदाम के खिलाफ जिदोजहद करेंगे। डॉलर की परवाज रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कीमत पहली बार 177 रुपए से बढ़ गई। डॉलर ज़खायर 2 माह की दरामदाद के बराबर रह जाना रुपए पर दबाव का सबब करार। हुकूमत की मिनी बजट लाने की तैयारियां। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए तरमीमी बिल ज़ेरे गौर। गाड़ियों की दरामद पर 6 माह के लिए पाबंदी। कीमती मोबाइल फोन लग्जरी अशिया पर टैक्स शरा 17% तक बढ़ाने की तजवीज। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ट्विटर अकाउंट से हुकूमत मुखालिफ ट्वीट, लिखा महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, हम सरकारी अहलकार कब तक खामोश रहेंगे, 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सर्बिया में एम्बेसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो गए हैं, मामले की तहकीकात जारी।
गुज़िश्ता रोज़ डेंगू बुखार के बायस पंजाब में दो अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में हलाकतों की तादाद 148 हो गई। लाहौर से डेंगू के 31 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 11 मरीजों में तस्दीक। पख्तूनख्वा में 18 मुतासर। कोयटा के 12 साल के रफियुल्ला हाथ पांव से महरूम लेकिन सलाहियतों से भरपूर। पढ़ाई में नंबर 1, मोबाइल का इस्तेमाल, खेलकूद में भी आगे। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर रफियुल्ला जैसे स्पेशल लोगों को समा का सलाम। और काली नजर काली जबान दिल भी काला, उफ इतना काला। फैसलाबाद के लाला जाहिद ने पाली नायाब मुर्गियां। 1 लाख की काली मुर्गी का खून तक काला है। अंडा 2,500 तक में फरोख्त होता है। काला गोश्त तवनाई और आयरन से भरपूर।